गेमिंग कीबोर्ड्स 1,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये के बीच में, RGB कीबोर्ड्स, मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड्स, इन सभी सवालों का जवाब लेकर ये वाला एपिसोड बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। इस एपिसोड में हम एक्चुअली कवर करने वाले हैं एक ही एपिसोड के अंदर 1,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक के बीच में जितने भी बढ़िया कीबोर्ड्स आ रहे हैं, गेमिंग कीबोर्ड्स, उन सबको। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए फटाफट जानते हैं इन बेहतरीन गेमिंग कीबोर्ड्स की बात टेकबॉक्स हिंदी के साथ। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड कॉस्मिक बाइट CBG के 05 गेमिंग कीबोर्ड के साथ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में दिखाए जाने वाले तमाम गेमिंग कीबोर्ड्स में सबसे कम कीमत में आने वाले इस कीबोर्ड में कोई भी बात बजट वाली बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रीमियम ही प्रीमियम है। दोस्तों, ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन के इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी इस रेंज तो क्या, इससे कई गुना महंगे कीबोर्ड्स के बिल्ड क्वालिटी से भी बेहतर है। फुल एल्युमिनियम पैनल के इस कीबोर्ड में लगे हैं बेहतरीन क्वालिटी के मेम्ब्रेन स्विचेस, और इस कीबोर्ड के की कैप्स बने हैं डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक से, जो कीबोर्ड के ड्यूरेबिलिटी को डेफिनेटली एनहेंस करने वाली हैं। बात करें अब अगर कॉस्मिक बाइट CBG के 05 के LED लाइट्स की, तो दोस्तों ये कीबोर्ड 7 कलर स्टैटिक LED लाइट से इक्विप्ड है, जो डेफिनेटली लेट नाइट गेमर्स के लिए एक चेरी ऑन टॉप है। बट अनफॉर्चुनेटली इस कीबोर्ड में आपको कोई भी लाइटिंग मोड्स देखने को नहीं मिलता, यूजर केवल लाइट्स को ऑन या ऑफ ही कर सकेगा। इसके अलावा यूजर को इसमें 6 एंटी घोस्टिंग रोलओवर कीज के साथ 1.6 मीटर ब्रेडेड नायलॉन केबल देखने को भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट वाले इस बेहद ही बेहतरीन प्रीमियम एल्युमिनियम बिल्ट गेमिंग कीबोर्ड को Amazon से 1099 रुपीज में खरीदा जा सकता है, और इसे Amazon में 4.3 रेटिंग दी गई है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं इस कीबोर्ड का एक छोटा सा साउंड टेस्ट। बात करें अब अगर इन टॉप 5 गेमिंग कीबोर्ड्स के एपिसोड के अगले कीबोर्ड की, तो दोस्तों हम रूबरू कराना चाहते हैं आपको रेड गियर ग्रिम कीबोर्ड से। इस ऑल प्लास्टिक बिल्ड कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, जिसके ऊपर हमें इम्प्रेसिव मिरर रिफ्लेक्टिव मटेरियल देखने को मिलता है। कीबोर्ड में अगेन मेम्ब्रेन की स्विच सिस्टम का यूज हुआ है, तथा इस कीबोर्ड के की कैप्स भी ABS प्लास्टिक के बने हुए हैं, जिसे मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह सस्पेंडेड लुक में बनाया गया है। कीबोर्ड में कुल 16 एंटी घोस्टिंग रोलओवर कीज मिल जाते हैं, तथा कीबोर्ड के LED बैकलाइट को ना तो यूजर कस्टमाइज कर सकता है और ना ही इसमें कोई लाइटिंग मोड्स देखने को मिलता है। कीबोर्ड का वायर 1.8 मीटर लंबा है, तथा ये नायलॉन ब्रेडिंग के साथ आता है, जिसका USB पोर्ट गोल्ड प्लेटेड नहीं है। और जो बात हमें इस कीबोर्ड की बड़ी अजीब लगी, वो है इस कीबोर्ड का प्राइस फ्लक्चुएशन। दोस्तों, इस कीबोर्ड का प्राइस 1150 रुपीज से लेके 600 रुपीज के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। तो अगर आप इस कीबोर्ड को 600-700 रुपए में खरीदते हैं तब तो ठीक है, पर 1100-1200 रुपए देकर इस कीबोर्ड को खरीदने की मशविरा टेकबॉक्स हिंदी आपको नहीं देता। रेड गियर ग्रीम को Amazon में 4 रेटिंग मिली हुई है, और ये रहा इस कीबोर्ड का एक छोटा सा साउंड टेस्ट। इसी के साथ हम आ गए हैं एक से एक गेमिंग कीबोर्ड के इस एपिसोड के तीसरे पड़ाव पर, जो कि अगेन एक कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाले कीबोर्ड की है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक बाइट CBG के 02 की। दोस्तों, कॉस्मिक बाइट CBG के 02 भी प्लास्टिक बिल्ड बॉडी के साथ आती है, जो फर्स्ट अपीयरेंस में रेड गियर ग्रीम की बिल्ड क्वालिटी से बेहतर लगती है। कीबोर्ड हार्डकोर गेमर्स को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में रेड और ब्लैक कलर के ट्रेंडी लुक में उतारा गया है। कॉस्मिक बाइट CBG के 02 के कीज मेम्ब्रेन कीज है, और इसके की कैप्स डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक से बने हुए हैं। साथ ही कीबोर्ड में 8 RGB लाइटिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। आइए जरा नजर डालते हैं इन बेहतरीन लाइटिंग मोड्स के ऊपर।
और जो बात इस कीबोर्ड को अपने रेंज का सबसे अनोखा कीबोर्ड बना देता है वो है इस कीबोर्ड में लगा हुआ एक छोटा सा माइक्रोफोन जो इस कीबोर्ड के 9th RGB मोड पर ऑडियो रिएक्ट करवाता है। इसका मतलब ये कि यूजर इस कीबोर्ड के 9th मोड पर अपने वोकल्स या म्यूजिक के साथ डिस्को करते लाइटिंग मोड्स को सेट कर सकता है। है ना दोस्तों और रिश्तेदारों को शो ऑफ करने वाला फीचर। और केवल दोस्तों और रिश्तेदारों को ही क्यों, आप चाहे तो अपने बेहतरीन पीसी सेटअप के पिक को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल टेकबॉक्स इन दी ऑफिशियल पर DM या टैग करके भी बता सकते हैं ताकि हमारी टीम आपके ऑसम सेटअप को रिपोस्ट कर सके और हमारी छोटी सी टेकबॉक्स हिंदी की फैमिली आपके सेटअप से एक बड़ा इंस्पिरेशन भी ले सके। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वक्त एक गिव अवे भी चल रहा है जहां पे आपको फ्री PUBG PC से लेकर बेहद ही प्रीमियम ब्रांड्स के प्रीमियम गैजेट्स बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। कुल मिलाकर Amazon में 4.3 रेटिंग के साथ आने वाला इस बेहद ही बेहतरीन कीबोर्ड को Amazon से 1,214 रुपीज में खरीदा जा सकता है जो इस कीबोर्ड को अपने प्राइस सेगमेंट में एक बेस्ट कीबोर्ड बना देता है। साथ ही अगर आप इस कीबोर्ड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो फिक्र मत करिए क्योंकि हमने इस कीबोर्ड का एक इन डेप्थ रिव्यू आपके लिए पहले से बना रखा है जहाँ आप Cosmic Byte CBG के 02 और Cosmic Byte CBG के 05 के नेक टू नेक कंपेरिजन भी देख सकेंगे जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब सुनते हैं Cosmic Byte CBG के 02 का एक छोटा सा साउंड टेस्ट। बात करें अब अगर अगले कीबोर्ड की तो दोस्तों अगला कीबोर्ड मेम्ब्रेन नहीं बल्कि मैकेनिकल कीबोर्ड है। मुझे पता है आपके आंखों में ये बात सुनते ही एक अलग ही चमक आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं LiveTech Phantom KB08 ब्लू स्विचेस मैकेनिकल कीबोर्ड की दोस्तों LiveTech Phantom कीबोर्ड की बॉडी बेहद ही उम्दा क्वालिटी के प्लास्टिक से बना है जो हाथ में लेने पर बेहद ही रिजिड फील देता है। कीबोर्ड में एज आई सेड अर्लियर चेरी MX ब्लू क्लोन स्विचेस लगी हुई हैं जो बेहतरीन फीडबैक देती हैं पर क्लिक पर, जिसका एक्चुएशन फोर्स मात्र 58 ग्राम्स हैं। साथ ही अगेन इस कीबोर्ड के की कैप्स भी डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक से बने हुए हैं जिस पर लेटर्स और नंबर्स के कैरेक्टर्स को लेजर कट के द्वारा उकेरा गया है जो कि LED लाइट्स के साथ बेहतरीन विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। LiveTech Phantom में 8 LED लाइटिंग मोड्स भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए आइए जरा नजर डालते हैं इन बेहतरीन डिस्को लाइट्स के ऊपर। बात करें अब अगर इस कीबोर्ड के अन्य फीचर्स की तो दोस्तों ये कीबोर्ड आ जाता है 19 एंटी होस्टिंग रोलओवर कीज के साथ और 6 मैक्रो कीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल कि इस बजट में कोई कंपनी एक मैकेनिकल स्विच के साथ इतना बेहतरीन एक मैक्रो की सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है। कुल मिलाकर 1.5 मीटर लंबे ब्रेडेड केबल वाले व 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट वाले इस कीबोर्ड को Amazon में 4 रेटिंग दी गई है जिसे 1990 रुपीज में Amazon से खरीदा जा सकता है। और इस कीबोर्ड का अगेन एक डेडिकेटेड रिव्यू और कंपैरिजन वीडियो जल्द ही इस चैनल में आने वाला है। सो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस कीबोर्ड का एक बेहतरीन साउंड टेस्ट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम आ गए हैं इस टॉप 5 RGB गेमिंग कीबोर्ड के एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर जहां पर हम बात करेंगे मेरे लास्ट 2 साल से एडिटिंग का हमराही Zebronics Max Pro मैकेनिकल कीबोर्ड की। दोस्तों Zebronics Max Pro की बॉडी बनी है फुल मेटल कंस्ट्रक्शन की और इस कीबोर्ड की रिजिडिटी का अंदाजा तो बस यूं लगाया जा सकता है
कि मैंने इस कीबोर्ड को इन 2-2.5 सालों में रोजाना 10 से 12 घंटे काम में लिया है और इस पर गेमिंग भी की है और काम भी किया है, पर ये 1.3 केजी का कीबोर्ड आज भी फर्स्ट डे जैसा परफॉर्मेंस निकाल के मुझे रोज देती है। इस कीबोर्ड में भी बेहद ही प्रिसाइज लेजर कट डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक कीज मिल जाते हैं जो कि लगे हुए हैं ओटेमो डस्ट प्रूफ ब्लू स्विचेस के ऊपर। साथ ही कीबोर्ड में अनबिलीवेबल 18 लाइटिंग मोड्स मिल जाते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे बड़ी बात, इस कीबोर्ड में फुल एनकी रोलओवर एंटी घोस्टिंग कीज मिल जाते हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर कीबोर्ड की फुल इन डेप्थ रिव्यू देखना है तो उसका लिंक अगेन हम ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर इस बेहद ही रिजिड व टिकाऊ फुल हैवी मेटल मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि 1.8 मीटर ब्रेडेड नायलॉन केबल के साथ आती है को अमेज़न में 4.3 रेटिंग मिली हुई है, जिसे अगेन अमेज़न से 3,699 रुपीज में खरीदा भी जा सकता है। और दोस्तों, इन सभी कीबोर्ड्स के बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ आशा है आपको हमारा ये बेहद ही मेहनत और प्यार से बनाया हुआ एपिसोड भी आ गया है पसंद। अगर आ गया है तो प्लीज़ हमें एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ज़रूर नवाजिएगा। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ बेहद ही बेहतरीन व दिलचस्प गैजेट्स के साथ। तब तक रखिए इस लॉकडाउन में अपने आप को सेफ और अपने गैजेट को मत करना भूलिएगा सैनिटाइज। हैप्पी गैजेटिंग। और दोस्तों, इसी के साथ आशा है आपको हमारा ये बेहद ही क्या हुआ यार, तुम ही पाउडर लो, ये लो पाउडर लगाओ, पाउडर लगाओ, पाउडर लगाओ, भाई पसीना आ रहा, पाउडर लगाओ। एक बाल गया, टुइंग टुइंग टुइंग। यार कैमरा में बोलते वक्त ही क्या हो जाता। और दोस्तों, अगर आप